दिस इज़ डॉक्टर के एस एसख आज का वीडियो बड़ा स्पेशल होने जा रहा है मैंने कोशिश की है कि ये एक लाइव सेशन की तरह बन पाए सो so, जो मैंने टॉपिक चूज़ किया दैट इज़ लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपके ट्राइग्लिसराइड वैल्यूज और कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ पता चलती हैं प्लस कुछ अदर टेस्ट होते हैं लाइक वी एल डी एल होता है एच डी एल नॉन एच डी एल कोलेस्ट्रॉल एल डी एल कोलेस्ट्रॉल सो बेसिकली आज मैं डिस्कस करूँगा आपको ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में सो ट्राइग्लिसराइड क्या है पहले तो ये जानते हैं ट्राइग्लिसराइड जो फैट है वो जो हमारे ब्लड में मिलती है और इसके सोर्सेज क्या हैं कहाँ से आती है ये फ़ैट कहाँ से आते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स नंबर एक तो आप जो खाना खाते हो जब खाना खाते हो उसमें जो डाइट होती है उसमें फैट पोर्शन होता है दैट इज़ मेजरली इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स कुछ फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं कोलेस्ट्रोल एस्टर्स हो सकते हैं फैट सॉल्युबल वाइटाम्स हो सकते हैं लाइक ए डी ई के बट मेजरली जो पोर्शन होता है दैट इज जो हमारा फैट पोर्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स So, एक सोर्स तो आपका खाना हो गया दूसरा ट्राइग्लिसराइड हमें कहां से मिलते हैं आपके फैट सेल्स में जिनको हम डिपोसाइड्स बोलते हैं वहां पे ट्राइग्लिसराइड स्टोर होते हैं और स्टोर किस लिए होते हैं बिकॉज वी कैन यूज ट्राइग्लिसराइड्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ये एनर्जी का सोर्स है और ये एक एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल में जो एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है उसमें तीन फैटी एसिड अटैच होते हैं विद ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल में हम एनर्जी जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज दैट इज़ अराउंड 106 एटीपीज जो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं 36 सिक्स ए सो आप ये देखो कि जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है कितनी एनर्जी लेके बैठा होगा तो इसको मतलब स्टोरेज फॉर्म इसकी होनी चाहिए जहाँ से बहुत सारी एनर्जी हम जब जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं सो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में कुछ 100 ग्राम के करीब स्टोर होता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और कुछ अराउंड 300 हंड्रेड ग्राम्स के करीब स्टोर होता है मसल्स में सो so, मेजरली जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है पैक एनर्जी होती है जो वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड कहाँ पर स्टोर होती है फैट सेल्स में सो so, एक सोर्स हो गया आपके खाने का एक सोर्स हमारे पास पड़ा हुआ है फैट सेल्स में और ये कब यूज़ होगा ये तब यूज होगा जब आप कुछ नहीं खा रहे होगे तब आपके इंसुलिन लेवल्स लो होंगे जब आपके इंसुलिन लेवल्स लो होंगे तो वो ट्राइग्लिसराइड निकलेगा बाहर तो वो इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स आपके ब्लड में आएगा तो वो आप उसको एज एनर्जी सोर्स यूज कर पाओगे जब तक इंसुलिन के लेवल्स हाई हैं और जब तक आप इन वेल्फेड कंडीशन हो तब तक ये स्टोरेज में जाएगा यूज नहीं होगा सो दूसरा सोर्स होगा अब तीसरा जो मेजर सोर्स है जो ट्राइग्लिसराइड बनने का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई देखते हो और वो है एक्सेस शुगर कंजप्शन सो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हमारा लिवर तैयार कर सकता है कहां से फ्रॉम शुगर कौन सी शुगर से फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिनोवो लाइपोजेनेसिस और ये प्रोसेस हाईली डिपेंडेंट है ऑन इंसुलिन यू आर इन वेल फेड स्टेज आपने खाया हुआ है और बॉडी कुछ उस खाने से एनर्जी ले रही है और अगर एनर्जी पूरी मिल गई है तो बॉडी चाहती है आपकी बॉडी चाहती है कि उसको स्टोर कर लिया जाए आगे कब के लिए जब आपको खाना ना मिले तो वो एनर्जी आपके पास हो वो फैट सेल्स में स्टोर होगी सो so, इन इंसुलिन प्रमोट करती है डिनोव लाइपोजेनेसिस को अगर आपको शुगर डिसरेगुलेशन है अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो अगर आप ओपीस हो अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आपके इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा हो सकते हैं सो so, उसमें आपके ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं और आपके इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं सो so, अगर इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा होंगे और ग्लूकोज लेवल्स भी ब्लड में ज्यादा होंगे बिकॉज यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट अब मसल्स में ग्लूकोज इतना नहीं जा रहा होगा दैट इज वाई आपके ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा है ना तो वो इंसुलिन क्या करेगी इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी इंटू ट्राइग्लिसराइड्स सो ग्लूकोस से ट्राइग्लिसराइड प्रोसेस है जो ग्लूकोस इसे सिक्स कार्बन कंपाउंड ये चेंज होता है इनटू टू कार्बन कंपाउंड विच इज एसिटाइल कोए सो एसिटाइल कोए विच इज टू कार्बन कंपाउंड ये आपस में मिल मिल के एक चेन बना देता है फैटी एसिड चाहिए जिसमें आर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो सकते हैं जो मोस्ट कॉमन है दैट इज पटिक एसिड पार्मिटेट जिसमें सिक्सटीन कार्बन कंपाउंड है सो इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें अगर एनर्जी मिलती है दैट इज अराउंड थर्टी सिक्स और एक अगर फैटी एसिड मॉलिक्यूल में हमें एनर्जी मिलती है दैट इज़ अराउंड हंड्रेड सिक्स में सो एनर्जी पैक होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट जो हमारे पास पड़ी हुई है जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि बिकॉज एवरी टाइम खाना अवेलेबल है एवरी टाइम इंसुलिन आएगी तो वो फैट स्टोर ही होगी यूज़ नहीं हो पाएगा सो लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन कि अगर आप शुगर कंजप्शन ज़्यादा ले रहे हो अगर आपकी एक्टिविटी कम है आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप एक्टिव नहीं हो तो क्या होगा तो इस ग्लूकोज का थोड़े से पिछले पन्ने पलटता हूं तो देखता हूं आपकी फास्टिंग शुगर कितनी है। मुझे लगा पहले आपके ट्राइग्लिसराइड दो सौ ढाई सौ तीन सौ तो मैं देखूंगा आपकी फास्टिंग शुगर कितनी है। अगर तो सौ से नीचे वेल एंड गुड अगर सौ से ऊपर जा रही एक सौ छब्बीस के नीचे है इज प्री डायबिटीज और अगर ये वन ट्वेंटी सिक्स से ऊपर है सो so, अगर इसके लेवल भी मुझे रिलेट कर पाएंगे ट्रैगलेसर लेवल्स के अगर आप प्री डायबिटिक हो कि नहीं डायबिटिक हो बट फास्टिंग इज़ द लास्ट थिंग टू चेंज बहुत सारे मैं लोगों के देखता हूँ ट्रैगलेसेंट्स बड़े होते हैं फास्टिंग कई बार एट्टी नाइनटी भी आ रही होती है देन मैं अगला टेस्ट आपका देखूंगा एच बी ए वन सी सो एच बी ए वन सी अगर फाइव पॉइंट सेवन से ज़्यादा आ रहा है देन यू कुड बी प्री डायबिटिक अगर सिक्स पॉइंट फाइव से ज़्यादा आ रहा है तो आप डायबिटिक भी हो सकते हो सो so, ये भी बता रहा है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सो so ये बता सकता है मुझे कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई होने का कारण ये प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है कई बार कई केसेस में मैंने फास्टिंग शुगर भी नॉर्मल देखी है मैंने एच बी वन से भी नॉर्मल देखा है से अराउंड फाइव पॉइंट फाइव और फाइव पॉइंट सिक्स आ गया तो उसमें उसके बाद में नेक्स्ट दो टेस्ट जो फर्दर हम प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज जी टी टी ग्लूकोस टॉलरेंस टेस्ट एंड होमाइर सो so, ये दो टेस्ट भी मुझे बता देते हैं अगर मैं फास्टिंग शुगर एच बी वन से ना पिक कर पा रहा तो तो मुझे ये टेस्ट भी बता देंगे कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो कि नहीं हो और एक और सिंपल सा टेस्ट जो आप घर में ही कर सकते हो अगर आपने जी टी टी नहीं करवानी या आप होम आई ईयर नहीं करवा पा रहे हो तो एक सिंपल आप खाना खाओ जिसमें आप जो चपाती जो राइस जो नॉर्मल आप खाना खा रहे हो उसके बाद एक घंटे बाद अपनी पीक चेक कर लो इफ इट इज़ कमिंग अबव वन फोर्टी तो आप सोच रहे ना देर इज़ सॉर्ट ऑफ शुगर डिसरेगुलेशन तो ये भी कारण आपके हाई रेगुलिसड का हो सकता है so, सो पहला कारण हाई ट्राइग्लेस का हमने क्या निकाला इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई विल से 90 परसेंट ऑफ द केसेस इट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस सो जहां पे मैंने फास्टिंग शुगर चेक कर ली एच चेक कर ली अदरवाइज होमा आई करके देख लिया जी टी टी टेस्ट करके देख लिया उसके बाद मैं आता हूँ आपके ट्राइग्लेस ज्यादा है उसके बाद मैं आता हूँ ए टेस्ट ये एक लिवर फंक्शन टेस्ट है जिसपे आप देखोगे ए टेस्ट होगा एक एलानिन ट्रांसम जिसको हम एस भी बोलते हैं सो so, ये लिवर स्पेसिफिक एंजाइम है जो लिवर के सेल के अंदर होता है वंस यू हैव फैटी लिवर तो क्या होगा ये आपका ए एल होना शुरू हो जाता है आइडली इट शुड बी लेस देन थर्टी बट लैब टू लैब वेरी करता है सम से फोर्टीज नॉर्मल रेंज बट मुझे लग रहा है कि इट शुड बी लेस देन थर्टी सो अब ए एल हो गया इट कुड बी ड्यू टू high alcohol intake or it could be due to insulin resistance sugar dysregulation pre diabetes or diabetes because insulin resistance drives fatty liver so ye test bhi relate ho gaya uske baad main dekhunga aapka thyroid ab bolo sir kya isme triglyceride aur cholesterol ka thyroid ke sath bhi taluk hai yes of course yes अगर आप if you are suffering from hypothyroidism जहाँ पे आपके T3 कम है T4 कम है TSH ज़्यादा आ रहा है सो so ये thyroid hormone एक्चुअली इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ LDL receptors on ऑन द लिवर सेल मैम्रेन जो भी कोलेस्ट्रॉल हमारे पास आ रहा है जो triglyceride हमारे पास आ रहा है तो लिवर उसको वो वापस लिवर के पास आ रहा है जो एक्सेस है बॉडी को नहीं चाहिए तो रिटर्न हो रहा है लिवर के पास ताकि लिवर उसको रीसर्कुलेशन में डाल सके या डिस्पोज ऑफ कर सके सो so, वो एल डीएल उसको पिक करते हैं अगर एल रिसेप्टर्स ही कम होंगे तो इसका मतलब ब्लड में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इवन एल डी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होने शुरू हो जाएंगे सो so, एक कारण हाइपोथिज्म भी हो गया अब मैं आपके पास जाऊंगा किडनी फंक्शन टेस्ट में वहां पे एक टेस्ट होगा यूरिक एसिड सो so, यूरिक एसिड वैल्यू भी ताल्लुक रखती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ आई विल से यस स्ट्रांगली यस। सो हाई यूरिक एसिड क्या रीजन हो सकता है ऑब्वियसली सब जानते हैं ब्रेड मीट हाई प्रोटीन इनटेक बट एक जो कारण लोग नहीं जानते दैट इज हाई कंजप्शन अगर आप फ्रक्टोस ज़्यादा ले रहे हो इन एनी फॉर्म चाहे वो सॉसिस में है चाहे वो जैम्स में है कोल्ड ड्रिंक्स में एच एफ सी एस के रूप में चाहे वो फ्रूट्स में जहाँ भी फ्रक्टोस इज फ्रक्टोस इट हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर इट सोर्स अगर आप फ्रक्टोस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ये कन्वर्ट होने जा रही है ट्राइग्लिसराइड में ये कन्वर्ट होने जा रही है कोलेस्ट्रॉल में और ये आपके यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ाने जा रही है सो so, और अदरवाइज इन अगर किडनी फेलियर केसेस में भी हम ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वैल्यू हाई देखते हैं अब अगर लिवर लेवर ट्राइग्लिसराइड बना रहा है तो इसका रास्ता क्या है इसके सिर्फ दो ही रास्ते हैं अगर लिवर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बना रहा है तो इसके लिवर से बाहर निकलने के आर टू वेज वन वेज कि लिवर इसको एक्सपोर्ट करता है टू द अदर टिश्यूज ये ब्लड में डालेगा बिकॉज ये जो है इज ए फैट इट इज इंसॉल्यूबल इन ब्लड इट कॉन्ट ट्रेवल ऑन इट्स ओन इसको एक कोई मीडियम चाहिए कि उस पर उसके साथ ये ब्लडर में ट्रेवल कर सके सो so, एक प्रोटीन तैयार करता है लेवर दैट इज़ बी हंड्रेड ये टेस्ट भी हम कराते हैं बी हंड्रेड सो वो बी हंड्रेड जब अटैच होती है तो ये एक मॉलिक्यूल बनता है वी एल डी एल जहाँ पर जो लिवर ने ट्राइग्लिसराइड बनाया हुआ था वो आ जाता है जहाँ पे कोलेट्रोल एस्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं जहाँ पे वाइटामिन ई वो भी आ जाता है सम फॉस्फोलिपिड्स वो भी तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं वी अगर आपके टेस्ट में आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो सोचना वी भी ज़्यादा होगा क्योंकि ट्राइग्लिसराइड से कैलकुलेटेड होके ही बनता है उसको फाइव से डिवाइड करते हैं तो आपकी वी आ जाती है सो तो इसका मतलब ट्राइग्लिसराइड वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वैल्यू ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा वी ज़्यादा सो so, ये अब जो वी एल डी एल मोलिक्यूल है ये ब्लड में ट्रेवल करता है जहाँ पे फिर इसका आई डी एल बनता है फिर इसका एल डी एल बनता है सो so, और जहाँ पे जिसके थ्रू ये जो ट्राइग्लिसराइड आई जो फैट सेल्स में स्टोर भी हो जाती है अब अगर लिवर एक्सेस इतना एक्सेस बना रहा है ट्राइग्लिसराइड कि वो वी एल डी एल के थ्रू एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा टू द ब्लड सर्कुलेशन देन इट स्टार्ट कलेक्टिंग अराउंड द ऑर्गन्स अराउंड द लिवर अराउंड द पेनक्रियाज जिसको हम फैटी लिवर फैटी पेनक्रियाज बोलते हैं सो so, अगर ट्राइग्लिसराइड हाई है आपके तो इसका मतलब मुझे कई इंडिकेशंस मिल रही हैं मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि इसके साथ इस बंदे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है शुगर की इस ये प्री डायबिटिक हो सकता है ये डायबिटिक हो सकता है इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है मुझे इंडिकेशन मिल रही है भाई इसको फैटी लिवर हो सकता है अगर इसके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि इसको थायरॉइड का इशू हो सकता है ये हाइपोथायरायडिज्म का केस भी हो सकता है मुझे इंडिकेशन मिल रही है इसके यूरिक एसिड भी बड़े हो सकते हैं ये हाइपरटेंशन भी इसको हो सकती है इसको डायबिटीज़ भी हो सकती है सो so, आगे इसकी वैल्यूज कितनी है की मोस्टली हम इसको बोलते हैं अंडर 150 फाइव जीरो इज़ नॉर्मल वन फाइव ज़ीरो पर डी एल इज़ नॉर्मल एक से 200 के बीच में हम इसको मॉडरेटली हाई बोलते हैं 200 से 500 के बीच में हम इसको हाई बोलते हैं और 500 से ज़्यादा तो हम इसको वेरी हाई बोलते हैं सो डायबिटिक यू आर डायबिटिक और अगर आपके ट्राइग्लेसराइट्स ढाई सौ से ऊपर आते हैं तो इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन अदर रिस्क फैक्टर्स दे के हम कोई मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं बट अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो पाँच सौ से नीचे कोई मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वर्क करती हैं बट ये खाली आप मत सोचना कि आपके सिर्फ ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने फैटी लिवर अपनी शुगर डिसरेगुलेशन इफ़ यू अपनी डायबिटिक डायबिटिक सब ध्यान रखना होगा और अगर आपकी ये 500 से ऊपर आती है जब वेरी हाई तो इट इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज स्ट्रोक एंड इवन एक एमरजेंसी सिचुएशन है अक्यूट पेनकेटाइटिस अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इवन थाउजेंड की रेंज में आ रहे हैं तो सो so, ये डिस्कशन थी ट्राइल के बारे में लेट्स डिस्कस कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो हमें खाने में मिलता है कोलेस्ट्रॉल अगेन ट्राइग्लिसराइड की तरह लिवर भी बना सकता है सो खाने में जो हमारे हम ह्यूमन बींग्स हैं इसमें हमारी कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन जो है इज नॉट सो गुड इज़ नॉट सो एफिशेंट आई शुड से लाइक दिस इज नॉट सो एफिशिएंट। सो जितना भी हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं खाने में उसका अराउंड से अराउंड 50 टू 50 परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट हो पाता है रेस्ट 40 टू 45 परसेंट ये हम स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है फिस के साथ बाहर निकल जाता है सो so, इसकी इज्जॉपन इज नॉट सो गुड और अगर आप कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी ये कोलेस्ट्रॉल पार्ट ये कोलेस्ट्रॉल हमारी हर सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है उसके बाद कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए हॉर्मोन्स के लिए सेक्स हॉर्मोन्स के लिए हमें स्ट्रेस हॉर्मोन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए बाइल सॉल्ट बाइल एसिड्स के लिए जो हेल्प करते हैं हमें फैट डाइजेशन में कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए नर्व्स के लिए नर्व शीत के लिए माइलिन शीत के लिए सो so, कोलेस्ट्रॉल के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते अगर आप अपनी डाइट में जीरो कोलेस्ट्रॉल कर दोगे तो भी हो सकता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाएं। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल चाहिए लिवर बनाएगा कोलेस्ट्रॉल अगर आप उसकी सप्लाई कम कर दोगे खाने में कम कर दोगे तो लिवर अपनी सप्लाई बढ़ा देगा वो इंश्योर करेगा कि हर सेल को जिसको कोलेस्ट्रॉल चाहिए उसको मिलता रहे और सोर्स क्या है कोलेस्ट्रॉल के सेम इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सो ग्लूकोज से मैं बोला दो कार्बन कंपाउंड बनता है एसिटाइल को एसिटेल कोहे से को से आगे कंपाउंड फर्दर बनता है कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल को फिर एसिटाइल को से बनता है जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं वो जानते होंगे एसिटाइल कोए फिर एसिटाइल को से कंबाइन हो जाता है बनता है एसिटो एसिटल कोय एसिटो एसिटल कोए फिर एक एसिटाइल कोय से कंबाइन होता है जो आगे प्रोडक्ट बनता है एच एम कोए और जहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है एच एम जी कोए रोडक्टेज जो हाईली रेगुलेटेड स्टेप है इन होल मेटाबोलिज्म इन होल बायोकेमिस्ट्री सो एच एम जी कोडकटे क्या करेगा उस एच एम जी को क्या बना देगा देगाट और आगे ये चले जाएगा इन टू ट्वेंटी सेवन कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल और हम जो ड्रग्स दे रहे हैं स्टेटिन वो क्या ब्लॉक करती है वो ब्लॉक करती है दिस एंजाइम एच एम जी को एडक्टेस इसको ब्लॉक करती है इसको ब्लॉक करेंगे तो आगे कोलेस्ट्रॉल सिंथिस रुक जाएगी और एच एम जी को रोडक्टेज इट इज हाईली अपरेगुलेटेड बाई इंसुलिन अगर आप वेल हेल्थ कंडीशन में हो आपने खाना खाया हुआ है आपके पास ग्लूकोज है ब्लड में तो इंसुलिन हेल्प करेगी उस एक्सेस ग्लूकोज में अगर कोलेस्ट्रॉल चाहिए उसको कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रोल बनाएगा वो लिवर सो so, ये कोई पार्ट नहीं आता कि आप खाने में बोलो कि मैंने कोलेस्ट्रॉल बंद कर दिया तो आपकी सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाती हैं या आप कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस रोक रहे हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है भाई आप भाई आपको जानना होगा मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों रहे हैं मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जिसको हम फेमिलियल डिसलिपिडीमिया कहते हैं जो जेनेटिकली होता है जो जीन्स के साथ आता है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं उसको हम हाइपर बोलते हैं और यही जेनेटिकली होता है हाइपर जो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं वो होता है हमारा हमारे टू बी में भी देखते हैं टाइप टू बी एंड टाइप फोर सो टाइप टू में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते हैं जो मैं जेनेटिकली पार्ट है वो डिजीज uh, है वो मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करने जा रहा हूं और अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं तो क्या क्या देखना चाहिए आपको अरे देखो शुगर डिसरेगुलेशन अगेन वही फास्टिंग शुगर देखो एच बी देखो अदरवाइज जी करवा के देखो होमाइया करवाओ हो। वो नहीं करवा सकते अपना ग्लूकोमीटर से घर में एक पीक चेक कर लो आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी ग्लूकोज कितना टॉलेट कर रही है कहीं वो एक्सेस ग्लूकोज ट्राइग्लेसाइड और कोलेस्ट्रॉल में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा उसके बाद आप देखो ए एल टी रेज हो रहा है उसके बाद आप देखो थायराइड वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथाइटिज्म में हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है क्यों बढ़ा हुआ होता है मैंने बता दिया बिकॉज जो थायराइड हार्मोन है ये हमारे जो एल डी एर रिसेप्टर्स है उतनी उस, उसकी कंसनट्रेशन को कंट्रोल करता है जो लिवर सेल मेम्ब्रेन पे है अगर थायराइड के हार्मोन्स कम होंगे तो एल डी या रिसेप्ट भी कम होंगे तो वो जो एक्सेस ग्लूकोज आ रहा है उसको नहीं पकड़ पाएगा लिवर तो आपका कोलेस्ट्रॉल रेज हो जाएगा सो ये सारी चीजें कितनी रिलेट करती हैं एक दूसरे में अगर आपको सिर्फ आपका डॉक्टर आपके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल देख के आपके स्टेटेंस या फाइब्रेट शुरू कर रहा है यू नीड टू चेंज ए डॉक्टर मैन आपको कई और सारी चीजें देखनी उनकी करेक्शन करनी है ये ऑटोमेटिकली उसकी करेक्शन हो जाएगी और ये सब आपस में रिलेट करती है सो so, इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच